हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ DLED या UKSSC यानी कि हम ग्रुप सी, ठीक है, और चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, बस हम पे SSC में आपके पास उत्तराखंड का पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन आप SSC के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वहाँ से आपके पास मिल सकते हैं। तो मोस्टली जो आपके पास उत्तराखंड लेवल का जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक सिलेबस बेस्ड है। DLED का एग्ज़ाम आपके पास करीब आने वाला है, ठीक है, 30 मार्च को DLED का एग्ज़ाम है, और इसके साथ साथ UKSSC के SSSC के एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरा फुलफिल आपके पास वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और आज मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ इसी सीरीज़ का, यानी कि DLED सीरीज़ का जो हमारे पास है 5th पेपर, ठीक है, 5 उसका पार्ट लेके चल रहा है। 4 पेपर मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आपके पास आ जाए 5th मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है, और इसमें ऑल का ऑप्शन आता है, उसे आप प्रेस कर लें ताकि आपके आपको टाइम टू टाइम सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भगवान पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भगवान पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवती हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड है कि सदाधन एव क्या होता है? किस का संधि विच्छेद आपने बताना, ठीक है, किस शब्द का संधि विच्छेद है? संधि विच्छेद आपके पास दिया है सदाधन एव, तो सदाधन ए, तो आधन ए क्या होता है? आई बनता है ना, आधन ए क्या होता है? आई बनता है, यानी कि सदैव, सदाधन ए यानी कि सदैव, आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महाधन उत्सव, आधन उ यानी कि ओ, ठीक है, आधन उ बराबर ओ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या गंगोर्मी का संधि विच्छेद बताइए, का आपने संधि विच्छेद बताने गंगोर्मी क्या, ठीक है, तो गंगाधर उर्मी यानी कि गंगोर्मी, आधन उ यानी कि ओ आपके पास ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन से शब्द तत्सम हैं, ठीक है, तो तत्सम शब्द आपने बताना है, तो तत्सम शब्द कौन से हैं यहाँ पे, तो यहाँ से उपरोक्त सभी यहाँ पे तत्सम शब्द होंगे। मैंने आपको कल इसमें एक ट्रिक भी यहाँ पे बताई थी कि जहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाता है तो उसका मतलब 99% आंसर क्या होता है, करेक्ट होता है। तो आपके पास ये एक तुक्का लगाने के हम बोल सकते हैं कि ट्रिक हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपने बताने हैं, तो तद्भव आम हो गया, आंसू हो गया, तो यानी कि क और ख दोनों आपके पास सही हैं। अष्ट ये आठ, ठीक है, तो अष्ट मतलब हो गया आठ, ठीक है, तो आठ इसका तद्भव शब्द आठ होगा, जबकि ये क्या है, तत्सम शब्द है अष्ट, ठीक है। तो आम को क्या लिखते हैं? तत्सम शब्द आम्र होता है, आंसू का अश्रु होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज विदेशज एक क्वेश्चन जरूर बनकर आता है, तो इसमें से बताने कि कौन सा शब्द देशज है? थैला, ठीक है, रोटी, लुटिया, तो ये सभी आपके क्या है, देशज शब्द है। निम्न में से कौन से विदेशी हैं? विदेशी चाय हो गया, सर्कस हो गया, कर्फ्यू हो गया, चाय हो गई, ये सभी क्या है, विदेशज शब्द हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया है ये, मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। अक्सर जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपके पास लेके आ रखा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मुगल का स्त्रीलिंग हो गया मुगलानी, क्या हो गया, मुगलानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देने की इच्छा के लिए शब्द है, तो देने की इच्छा, तो देने की इच्छा, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो आपके जो होगा मुर्मूषा, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आपके उत्तराखंड का पोर्शन है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलिमन। उत्तराखंड के महान विभूतियों के जो निकनेम है, उपनाम है, उसके लिए वीडियो आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा का पूरा वीडियो उसमें देख लीजिए, उसमें अलग अलग सोर्सेज से, परीक्षावाणी से लेकर अलग अलग बुक से उसको इकट्ठा कर गया, एक उसका कलेक्शन बना के इस वीडियो के यहाँ पे मैंने पहले इसको लेके चल चुका हूँ, इस वीडियो को आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक ही नाम पता चल रहा है, लेकिन बाद वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है, तो आप वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। दूसरे कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। तीसरे और पहले निर्वाचित अगर बोलता है तो NDT तिवारी, और चौथे थे भुवन चंद्र खंडूड़ी, ठीक है। पांचवें फिर रमेश पोखरियाल, छठवें फिर से हरिश्चंद्र खंडूड़ी बने थे, सातवें विजय बहुगुणा थे, आठवें हरीश रावत थे, और प्रेजेंट टाइम में नौवें हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो यहाँ पे चौथे पूछा हुआ है, तो यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। आपको पूरी सीरीज भी याद रखनी है। अगला देखिए 13 क्वेश्चन है कि UKD यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DD पंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि उत्तराखंड
विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष यहाँ पे निर्वाचित नहीं पूछा, सिर्फ पहले पूछ रहा है तो कौन थे, प्रकाश पंत थे, ठीक है, कौन से, प्रकाश पंत थे, ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर पहला निर्वाचित पूछता है तो यशपाल आर्य थे, फिर उसके बाद हरवंश कपूर बने थे, फिर उनके बाद बने थे योग गोविंद सिंह कुजवाल, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में जो है प्रेमचंद अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा, 15th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का जिला नहीं है, चमोली जिला है, रुद्रप्रयाग भी एक जिला है, नैनीताल एक जिला है, चौखुटिया एक जिला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जौलजीबी मेला कहाँ लगता है, तो जौलजीबी जो मेला लगता है गोरी एवं काली नदियों के संगम पर लगता है, कहाँ पर लगता है, गोरी एवं काली नदियों का संगम, और गोरी और काली नदियों का संगम होता है पिथौरागढ़ में, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, श्री नागराज देवता मेला आयोजित किया जाता है, तो नागराज देवता मेला जो आयोजित किया जाता है वो होता है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट देखिए, लिंगताल कहाँ स्थित है, ठीक है, तो जो आपके लिंगताल जो आपका है वो है चमोली में। इसके लिए मैंने ट्रिक वाइज सारे ताल और झीलें बताई हुई हैं, आप ट्रिक देख लीजिए। चमोली के लिए जो आप, मैं अगर ट्रिक की बात करें तो गहना विष्णु बेनी बिरही रूपकुंड हेमकुंडी होमकुंड सतोपंथ लिंग सुख झल काक भुसुंडी, तो सारे के सारे आपके इसी ट्रिक पे आपके चमोली के आ जाते हैं। तो एक बार ट्रिक का वीडियो आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ट्रिक का वीडियो जरूर देख लें, वहाँ पे आपको सभी ताल के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से जिले में कौन सा ताल है, ठीक है। तो इसके लिए होता है कि गौना विष्णु बेनी बिरही रूपकुंड हेमकुंडी होमकुंड सतोपंथ लिंग सुख झल काक भुसुंडी, तो यानी कि गौना मतलब गौना झील, बिरही झील, ठीक है, विष्णु ताल, तो ये सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा ताल किस जिले में है, याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस ट्रिक को ध्यान से समझ लीजिए और ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। भानु प्रताप कहाँ का राजा था, तो भानु प्रताप था चांदपुर गढ़ी का राजा, तो सबसे शक्तिशाली गढ़ था चांदपुर गढ़ का राजा था भानु प्रताप, ठीक है। डुंडा और मोरी तहसील कहाँ स्थित है, डुंडा और मोरी तहसील, तो डुंडा और मोरी तहसील जो आपकी हैं वो है उत्तरकाशी में है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन है, निम्न का आपने मिलान करना है, सूचीवन सूची, एक जगह आपके पास मंदिर दिया, दूसरे उनका जनपद दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसमें लेके चलेंगे तो नैना देवी यानी कि नैनीताल में ही है ना, सी का 3 होगा, तो देखो सी का 3 है, और उमा देवी मंदिर कहाँ पर है, चमोली में है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको मैच करिए आप इसको, ठीक है, तो आपके पास में करेक्ट जो आपके पास ऑप्शन होने वाला है इसका, तो आपके पास जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यानी कि जो आपके पास अनुसुईया मेला, जो अनुसुईया देवी मंदिर है चमोली में है, सॉरी, ठीक है, और हथकली जो मेला है वो आपका है मंदिर जो है वो देहरादून में है, नैना देवी आपके पास हो गया नैनीताल में, और उमा देवी मंदिर हो गया आपके पास पिथौरागढ़ में, एक उमा देवी मंदिर कर्णप्रयाग में भी है, ठीक है, एक उमा मंदिर कहाँ पर है, कर्णप्रयाग में, चमोली में भी है, तो जल्दबाजी में इस पर डाली हो गया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट होगा। अगले देखिए, उत्तराखंड में भूमि मापन की विधि है, ये आपके पास PCS में क्वेश्चन पूछा गया है, तो नाली मुट्ठी बीघा, तो ये सभी हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी के लिए तो मैंने आपको बताया कि ट्रिक समझ लो उसको, जहाँ पर ये चीज़ आ गई तो 99% इसके आंसर क्या होते हैं, तुक्का लगाने के बाद जब बात आती है कि आपको पता नहीं आंसर में, और अगर आपको तुक्का लगाना है तो अगर उपरोक्त सभी आ रखा है तो आप लगा सकते हैं कि 99% तक इसके हद काफ़ी हद तक इसके सही होने के चांसेस होते हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग एकेडमी इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है उत्तराखंड राष्ट्रीय, ये आपका नैनीताल में है, और मसूरी में जो है वो राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकेडमी है ना, IAS का जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सेंटर जो है। क्रांतिवीर नाम का संगठन किसने बनाया था, तो क्रांतिवीर 1857 के समय कालू सिंह मेहरा के द्वारा बनाया गया था ये, ठीक है, 1857 में क्रांतिवीर नामक जो था इस टाइम पे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर है तो 58 पर ये है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 26 क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है, तो राजतरंगिणी बहुत बड़ा क्वेश्चन किया कलहना, जो कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, तो कश्मीर का कारकोट वंश हो गया, लाहौर उत्पल वंश हो गया, लोहार वंश हो गया, तो सबका यहाँ पे उसने वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन इसके थे, रानी दिद्दा हो गया, संग्राम राज, जो भी यहाँ पे इसके शासक रहे हैं राजतरंगिणी में, इसके बारे में पूरा बताया गया है कश्मीर का इतिहास के बारे में। पहाड़ी क्षेत्र कुन्नूर कहाँ पे स्थित है, तो पहाड़ी क्षेत्र
कुन्नूर जो है वो है तमिलनाडु में है, और इसी के अकॉर्डिंग एक और बात करूँ मैं तो कर्नूल भी होता है, ठीक है, कर्नूल भी है, तो कर्नूल जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में कर्नूल, और कुन्नूर है तो वो तमिलनाडु में है, ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो ऑब्वियसली जब उत्तराखंड बनेगा, ठीक है, तो उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर 2000 को बना था, 2000 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, 28 का बी, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे, तो किस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे आपने बताना है, तो 1952 to 62 तक थे, यानी कि 10 साल दो बार रहे हैं। वैसे तो 1950 में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के तौर, उनको पहले भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा उसके अकॉर्डिंग, तो 62 तक जरूर ही रहे हैं, तो यानी कि 1952 से 62 तक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से लाल ग्रह है, तो लाल ग्रह कौन सा है, मंगल यहाँ पे क्या है, एक लाल ग्रह है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ाया गया था, प्लासी का युद्ध लड़ाया गया था 1757 में लड़ाया गया था, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ाया गया था। निम्न में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ विशेष आकर्षण होता है, तो वो होता है ओणम में, नावों की दौड़ों पे की जाती है। रोस हसनाह किस संप्रदाय का नववर्ष होता है, तो यहूदियों का, ज्यूज होते हैं उनका ये नववर्ष होता है। मैत्री, तो मैत्री जो है वो भारत और डाइजेस के बीच संयुक्त लड़ाकू अभ्यास है, तो भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री जो होता है, ठीक है, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। प्रसिद्ध स्मारक रानी की वाव डैश डैश में स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगर अभी आपने 2020 की रिपब्लिक डे परेड अगर आपने देखी होगी, तो गुजरात का जो थीम था ये रानी का वाव, ठीक है, तो अगर आपने परेड देखी है दो रिपब्लिक डे की अभी प्रेजेंट अभी करेंटली 2020 की, तो वहाँ पे उनकी गुजरात की एक झांकी जो निकाली गई थी उसका थीम था ये, ठीक है, झांकी का थीम थी रानी का वाव, ठीक है, तो आपको अगर आपने देखा होगा तो आपको इजीली से याद आ गया होगा कि गुजरात में है ये, ठीक है। अगला देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है, वो है कैनबरा में, ठीक है, अभी बुश फायरिंग से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड की मुद्रा है, तो इंग्लैंड की मुद्रा क्या है ये आपने बताना है, तो इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड, करेंसी ऑफ इंग्लैंड इज पाउंड, ठीक है। डाइजेस को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो यह है मुंबई, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया इज मुंबई। 39th है क्वेश्चन आपके पास, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी किसके बीच हुई थी, तो देखिए बाबर और शेरशाह सूरी के बीच बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तो बिल्कुल अलग हो गए थे, ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच ही युद्ध हुए हैं, तब तक तो बाबर मर चुका था, ठीक है। बाबर राणा प्रताप के बीच ये भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। अकबर और हेमू के बीच ये भी गलत है, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले भी इसमें कल भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पे कि तुक्का लगाने के लिए, इनमें से अगर कोई सिचुएशन में जब आता है तो यहाँ पे 50-50% चांस होते हैं कि इनमें से कोई आंसर सही होगा, इन तीन में से, ठीक है, बाकी इसमें से भी, यानी कि 50% चांसेस के भी होते हैं और 50% इन दोनों के भी हैं, तो उसको आप तुक्का ना लगाकर ध्यान से करें इस चीज़ को, लेकिन जहाँ पर उपरोक्त सभी या ए या बी दोनों इस तरीके से ऑप्शन में आते हैं तब तो आप लगा सकते हैं तुक्का वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर क्या हो गया था, जीता था और इब्राहिम लोदी को मार दिया था, उसी के साथ मुगल वंश की स्थापना हुई थी। बीदर का प्रसिद्ध मकबरा किसने बनवाया था, तो बीदर का प्रसिद्ध मकबरा बनवाया था मोहम्मद गवान ने। ईसाई भूमि बंदोबस्त या व्यवस्था की स्थापना किसने की थी, ईसाई भूमि व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बनाया गया, इसको स्टार्ट किया गया था ईसाई बंदोबस्त, ठीक है। लाखबख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाखबख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, गुलाम मंसूर का था, ठीक है, तो इसको लाखों में दान दिया करता था, जिस कारण उसे लाखबख्श कहा गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। ध्यान रखिएगा क्या कब किया था, 1885 में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 1885 यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है, तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 क्वेश्चन आपके पास है,
विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। तो कब सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, 5 जून हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, है ना। तो कब इसको सबसे पहले मनाया गया था, स्थापित किया गया था, वो 1972 में इसको मनाया गया था, जो कि इसका स्कॉट होम में पहला सम्मेलन जो हुआ इसका स्कॉट होम में हुआ था। INS सहयाद्री F-49 क्या है? सैटेलाइट है? बिल्कुल नहीं। हेलीकॉप्टर नहीं, तो क्या है? एक जहाजी बेड़ा है। रेलगाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यानी कि जहाजी बेड़ा ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। आपके पास एम्स नई दिल्ली का निर्माण, एम्स नई दिल्ली का निर्माण डैश डैश में किया गया था। तो एम्स जो है नई दिल्ली का निर्माण कब किया गया था? तो 1956 में। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, और दूसरी बार इनको चुना गया है, ठीक है। दूसरी बार इनको क्या है नियुक्ति, अभी जिनका सेकंड टेन्योर चल रहा है, इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो सेकंड दोबारा इनको चुना गया है अजीत डोभाल जी को, ठीक है, जो कि मूल तो कहाँ के निवासी हैं? पौड़ी के। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो मुल्ला पेरियार और पेरियार बांध वो कहाँ पर स्थित है? केरल में है। इसको आप ध्यान से रखिएगा, जो पेरियार बांध है, यहाँ पे एक पेरियार बांध, एक मुल्ला पेरियार है, तो पेरियार बांध, पेरियार झील, पेरियार नदी, ठीक है। तो अगर ये पेरियार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, बांध पूछता है, झील पूछता है, नदी पूछता है, तो ध्यान रखिए उसका क्या है, सिर्फ क्या है, केरल ही आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। FIBA फीबा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है? तो फीबा जो है वो किस खेल से संबंधित है? वो है बास्केटबॉल से, ठीक है, ये फीफा नहीं है, फीबा है ये, ठीक है, FIBA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधानसभा, अब आपके पास सिविक्स आ गया है, ठीक है, विधानसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है? तो विधानसभा के सदस्य की आयु होती है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होती है, 30 वर्ष राज्यसभा या राज्यसभा या विधान परिषद के लिए होती है, और 21 वर्ष पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, देखो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा, और केंद्रीय विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। तो दोनों की एज होती है 25 वर्ष, ठीक है। देश का पहला नागरिक है राष्ट्रपति, और राज्य का पहला नागरिक है राज्यपाल, ठीक है, और उपराष्ट्रपति, तो तीनों के लिए एज सेम होती है 35 ईयर। अब इसको देखते हैं, एक राज्यसभा होता है, उच्च सदन होता है, केंद्रीय विधानमंडल में उच्च सदन होता है राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल में कौन होता है? विधान परिषद। तो दोनों के सदस्यों के लिए एज क्या होती है? 30 ईयर। तो इसको थोड़े इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जहाँ उच्च सदन है, उच्च सदन चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उनके सदस्यों के लिए 30 ईयर, और निम्न सदन के जो है चाहे वो राज्य में हो केंद्र में 25 साल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वैसे तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं, और इसके लिए मैं पूरा वीडियो पहले ही डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दिया है, आप देख सकते हैं कि स्टेट से कितने जाते हैं, कितने स्टेट से निर्वाचित होकर जाते हैं, कितने यूनियन टेरिटरी से होकर जाते हैं, पूरा का पूरा वीडियो मैं वहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। आर्टिकल 21A संबंधित है, तो आर्टिकल 21A जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार है। समानता का अधिकार तो आपके पास किससे आता है? 14 से 18 में आता है, ठीक है, और इसी में स्वतंत्रता का अधिकार जो आपके पास आता है वो 19 से 23 में आता है, ठीक है। तो इसी के बीच हमारा आता है स्वतंत्रता, ये जो हमारे एक स्वतंत्र एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार 21A के रूप में आता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यूटेट एग्जाम में, अभी जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था यूटेट का, ठीक है, नवंबर में, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A। पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है 1900 यानी कि जो 1992 में हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन है 1992 में, अगर ईयर पूछा तो 92, लेकिन अगर पूछेगा कि प्रभावी कब हुआ था, पंचायती राज जो था वो कब प्रभावी हुआ था, तो हुआ था 1993 में, 1993 में प्रभावी हुआ था, ठीक है, यानी कि प्रभाव में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास 56 क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत उत्तर का चयन कीजिए, गलत का चयन करना आपने, तो हरियाणा 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। तेलंगाना 2013, ये गलत है, तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वो 2 जून 2014 को हुई थी, कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, यानी कि ऊपर यहाँ तो क्या लिखा है कि गलत चयन करना है ना, तो ये आपका सही आंसर है।
1975 सिक्किम सही है, असम 1963 ये भी सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में लोक राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली समीक्षा अधिकारी के में आया हुआ क्वेश्चन है, सहायक समीक्षा अधिकारी में विशेष में पूछा गया है। अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जहां पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जहां पर राष्ट्रपति यानी कि सॉरी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में कितनी समितियां बनाई गई थी? तो संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा में जो समितियां बनाई गई थी 13 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, अलग अलग समितियां थी, वो हर किसी के अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था, तो 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से एक मुख्य थी प्रारूप समिति। द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपके पास नेक्स्ट 63 जो आपके पास है, तो वो है पी बी महालनोबिस के द्वारा बनाया गया था। पहला अगर पूछा तो हैरोल्ड डोमर के द्वारा बनाया गया था। अगला देखते हैं 64 क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। नीति आयोग के गठन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? तो नीति आयोग की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जहां पर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। नीति आयोग के सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर जनरल जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है पूछ रहा है 67। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो मछली पालन से संबंधित है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन को मिलाकर किया गया, कौन कौन से बैंकों को मिलाकर किया गया? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। देखिए फिर से तीनों के तीनों सही हैं, तो यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास हो गया। 69 क्वेश्चन देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण पहली बार यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट टाइम कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो किया गया था 19 जुलाई 1969 को, जहां पर 14 बड़े बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था जुलाई 1955 में। निम्न में से भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का जो पहला बैंक है वो था आपका पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, निम्न में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था? तो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व आपको बताना है तो कितना है? 382। ठीक है, 382 है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता, अब देखिए यहाँ पे वैसे तो कौन है? केरल है। तो इसलिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 5 कम से कम आपको याद होने चाहिए जिसका आप लगा सकते हैं कि कौन सा होगा, तो केरल के बाद आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा, फिर हिमाचल, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखिए कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर कुछ आपको गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकूं। ठीक है, हो सकता है कभी कभार इस तरीके से हो जाता है। 3 लगातार गुणजों का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 लगातार गुण है ना, 3 के 3 मल्टीपल्स है, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम है वो कितना है? 72 है। ठीक है, तो यानी कि पहले तो 3 हो गया, दूसरा 3x। ठीक है, इस तरीके से आप लेके चलेंगे इसको, तो आपके पास इसका जो सम है वो है 72 है। कितना है?
72 है, यानी कि पहले हम x लेके चलेंगे, दूसरा हमारे पास हो जाएगा उसका गुणा x प्लस 3 और तीसरा हो जाएगा x प्लस 6। तो तीनों का जो सम हो जाएगा, यानी कि तीनों को प्लस कर दो, 3x प्लस 9 इक्वल टू 72, तो यानी कि 63 आ जाएगा, है ना। तो उसमें से आपने बताना कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो 27 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 27 सबसे बड़ा हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर लीजिए आप इसको। दो संख्याएं इस प्रकार से है कि इनके बीच का अनुपात 4:7 है, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो मान लीजिए हमारी जो संख्या है 4x/7x है ना, अनुपात है बोला, तो इस तरीके से लेके चलेंगे, यदि प्रत्येक को 4 की वृद्धि की जाए, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है, तो हमने ऊपर भी 4 जो प्लस कर दिया, नीचे भी 4 प्लस कर दिया, और जो अनुपात बनता है वो कितना बनता है, 3/5 बन जाता है। क्या बनता है, 3/5। फिर आप इससे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 76 का जो ऑप्शन, आपके पास करेक्ट इसका जो आंसर आएगा 56, इसमें आपके पास करेक्ट आ जाएगा, आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 है, P और Q की आयु का अनुपात 6:7 है, Q P से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद P और Q की आयु का अनुपात क्या होगा। इस रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा आपको पूरा। मैं इसके बाद कह सकता हूँ कि गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसके बाद आपको एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझाया गया है। तो 77 का आपके पास बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, 7:8, ठीक है। अगला देखते हैं कि 10 वर्ष पहले पिता की आय अपने पुत्र की आय के 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आय अपने पुत्र की आय के 2 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, अनुपात हो गया यहाँ पे, अनुपात क्या होगा, ठीक है, अनुपात क्या है, तो उनका आयु का अनुपात क्या है आपको बताना है। तो 7:3, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है वहाँ पे भी, ये सेम क्वेश्चन है ये, तो 7:3 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास पूरा का पूरा सेम ऐसे मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ है। तो अब एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें। ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो वर्तमान आयु क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ये आपने बताना है, ठीक है। तो इसको आप लेके चलेंगे, तो हम क्या लेके चलें, देखिए आप इससे सीधी सी बात है कि 12 वर्ष अभी उनका जो 12 वर्ष बड़ा है और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होने वाला है, तो 5:7 यानी कि 2 का अंतर आ रहा है, 2 से आप इसको डिवाइड कर दें, 6 बार डिवाइड होगा और फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, 7×6=42 और 6×5=30, तो मतलब आपके पास आंसर करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है, ठीक है, 79 का, वो आपके पास होगा बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो आपके पास पूरा का पूरा मिल जाएगा वहाँ पे। देखिए अगर नेक्स्ट है, यदि 9^(n×35)^(3×81)^4=27, तो n की वैल्यू क्या है, तो आप सबसे पहले इस 3 से इस 3 को आप डिवाइड कर दिए, 3^4 बच जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और उसका भी होल क्यूब है। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है इंडाइसेंस एंड सर्ट्स, यानी कि घातांक एवं करणी का, कि 8^m^2 अगर n होता है तो m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8^m×n हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है 3^27, ठीक है। और वही चीज़ हम इसमें लेके चलेंगे यहाँ पे, सेम दैट इसको भी आप बदलिए और उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए, और यहाँ पे इसको भी 3^ में लेके आएंगे, तो टोटल हमारा जो डायरेक्टली आंसर जो होने वाला है, जो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, आपके पास 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी आपको अगर जब किसी को भी समझ में नहीं आता कैसे करना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको आपको विद वीडियो आपको पास आपके नंबर पर सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी, यदि ए अनुपात बी 5:7 है, बी अनुपात सी 6:11 है, तो ए बी सी क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू बी, ए और बी है, देखिए यहाँ पे बी ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, लेकिन यहाँ बी की वैल्यू 6 है, यहाँ 11 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही नंबर यानी कि बी की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग होगी, क्योंकि ए बी सी में तो एक ही बार हो रहा नहीं, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होता है, 6×5=30, ठीक है, और 7×6=42, दूसरा आ गया आपके पास 42। और देखो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 6×7=42, देखो बी की वैल्यू अब यहाँ भी सेम है, क्योंकि जब बी यहाँ सेम है तो वैल्यू भी इसकी सेम होनी चाहिए, तो 42 हो गया, और 7×11=77, तो मतलब आपके पास करेक्ट आंसर 30:42:72, मतलब बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है, इनके खर्चे का अनुपात 3:2 है, तो प्रत्येक साल इनके द्वारा 1600 रुपये बचाया जाता है, ए की आय क्या है, तो ए की आय ये है 5x,
खर्चे का अनुपात इनका 3x है, तो देखो 3x हो गया, ठीक है। और इसमें हम 1600 रुपये बचाता है, 1600 रुपये बचाता है, और टोटल आय कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 800, ठीक है। तो इस हिसाब से जो होगा x की जो a की आय होगी 8×40 यानी कि 4000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 82 का सी, ठीक है। अगला, a का प्राप्तांक 30% है, वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि बी 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से, यानी कि उत्तीर्ण अंक मतलब पासिंग मार्क्स, उत्तीर्ण होने वाले अंक से क्या करता है, 35 नंबर अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है, तो उत्तीर्ण अंकों का परसेंटेज आपने बताना है कि कितने परसेंटेज पास मार्किंग था। तो इसके लिए पूरा वीडियो आपके पास परसेंटेज में दिया हुआ हूँ, ठीक है, आप वहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपके पास दिया हुआ है, आप परसेंटेज का वीडियो देख लीजिए, आपके पास पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का या इसी टाइप के क्वेश्चन का, आप वहाँ पे जाके जरूर देख लीजिए एक बार। लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है 83 का, जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 33%। देखिए यहाँ पे निम्न आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है, तो वर्गों की यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपके पास तो ये आपसे हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़े जब, और यहाँ पे 2 और 3, तो और ये कॉलम और रोज हमारे पास बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तो हम डायरेक्टली इनका स्क्वायर करके जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं इसमें m इंटू n करते हैं, और फिर m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस m माइनस 2 इंटू n माइनस 2, इस तरीके से, और तब तक लेके जाएंगे जब तक जीरो ना आ जाए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 85th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 85th है, निम्न में त्रिभुजा की संख्या ज्ञात कीजिए, जब किसी स्क्वायर में इस तरीके से ट्राइंगल बनाए हुए हैं और उनको आपको काउंट करना है, ठीक है, कि कितने हैं, तो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, मैंने इसकी पहले भी ट्रिक समझा चुका हूँ इससे पहले पेपर में भी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आपके पास टोटल आई हैं, तो क्या कर देंगे हम 8 को जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने होंगे 16, यानी कि आपके पास यहाँ पे कितना ट्रायंगल होंगे, 16 ट्रायंगल होंगे। आप काउंट कर लीजिए इस चीज़ को, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक में आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पे कि बुधवार जो था, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं किस तरीके से हम किसी भी जब डेज दिया हो, यानी कि डेट दी हो तो डे कैसे निकालेंगे, डे दिया होगा तो डेट कैसे निकालेंगे, कितने सा कौन सा साल बराबर होने वाला है, यानी कि कौन सा सेम टू सेम ईयर होने वाला है, सारा का सारा वीडियो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, लिंक आपके पास दिया हुआ है। अगला देखिए, 2 संख्याओं का HCF 11 और LCM 7700 है, यदि इनमें से पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो उसके लिए सीधे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड LCF, ये आपके पास बराबर होता है। तो यहाँ पे HCF और LCM की वैल्यू रख लीजिए, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर रख लीजिए और सेकेंड नंबर निकालना है, तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है, यानी कि 11 × 77 100/275 होने वाला है। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 308, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि न्यूनतम संख्या बतानी है कि जो 8, 12, 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचनी चाहिए। तो देखो इन तीनों का अगर हम LCM निकालेंगे तो 8, 12, 10 का LCM होता है 120, ठीक है, 8, 12, 10 का LCM 120, और कह रहा है कि ऐसी संख्या चाहिए जिसको इन तीनों से भाग देने पर 7 शेष बचे, तो ये 120 ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगी, तो 7 बचना चाहिए, तो प्लस क्या कर देंगे 7 कर देंगे, मतलब 127 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, PQRSTU भी केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज के आसपास बैठे हुए हैं, PT के बीच बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे है ये, ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या इसकी सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके पास इसका जो आंसर होगा यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप उसको अरेंज कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो 89 का आपके पास हो जाएगा QR, यानी कि निम्न में से कौन सा डिफरेंट है QR, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पी के दाई ओर कौन बैठा है, तो पी के दाई ओर बैठा हुआ है टी, 91 में एस के बाएँ कौन बैठा है, तो यानी कि क्यू, और क्यू के बाई ओर तुरंत कौन बैठा है, तो क्यू के बाई ओर तुरंत जो बैठा हुआ है वो बैठा है आर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि प्रकाश को सुबह, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात, रात को धूप कहा जाए,
तो सामान्यतः हम कब सोते हैं, तो रात को धूप कहा जा रहा है, रात को क्या कह रहा है, धूप, तो हम रात को सोते हैं, तो मतलब आपका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि धूप आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण, जो ओजोन परत का, जो आपने कई न्यूज़पेपर में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है, या ओजोन ह्रास के बारे में पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है, CFC, जो हम क्या एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो गैस भरी जाती है CFC, वो सबसे बड़ा कारण है ओजोन गैस के ह्रास का, ठीक है। किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है, तो उत्तराखंड ने किया था, ये उत्तराखंड ने किया हुआ है, ठीक है, और ये जब 2013 में आपदा है उसके बाद ही ये रखा गया है। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किसने किया था, ठीक है, इकोसिस्टम सबसे पहले इसका जो शब्द का प्रयोग जो किया था 1935 में किसके द्वारा किया गया था, तो ट्रांसली ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था शब्द का। फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की गई थी, तो फरवरी 2016 में जो किया गया था इबोला वायरस, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में, अभी अगर हम 2020 की बात करें, फरवरी 2020 की बात करें, तो फिर से WTO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोनो वायरस, ठीक है, कोरोनो वायरस की वजह से भी क्या है, आपात स्थिति की क्या है, घोषणा की गई है, ध्यान रखिएगा, कोरोनो वायरस के द्वारा प्रेजेंट टाइम में WTO के द्वारा, ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.75:x प्रोपोर्शनल टू 5:8 इक्वल है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, सीधी आप क्या करेंगे 0.75/x इक्वल टू 5/8 कर देंगे, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो इस श्रेणी का आपने 10वां पद ज्ञात करना है, तो 4, 8, 12, 16 दिया हुआ है, तो इसका सिंपल सा आपके पास क्या है, यूनिट डिजिट, पहला डिजिट देखिए, पहला टर्म है ये, इसका समानता श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अगर आपने 9th, 10th में पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या निकालना है, तो 10th क्लास में आपके पास ये है, तो 10वां पद आपने इसका निकालना है, तो पहला पद 4 है, फिर इसमें अंत देखो 4-4 का डिफरेंस है, तो AP में कोई भी संख्या या कोई भी सीरीज AP में कब होती है, जब उनका डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, जब उनका डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होता हो, AP में होता है, तो इनका सबका डिफरेंस इक्वल है, तो AP में है, तो पहला टर्म 4 है और डिफरेंस भी 4-4 है, तो सीधे क्या कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 10×4=40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 100 क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणी में गलत संख्या आपने बतानी है, 230, 262, 296, 324 और 370, तो 230 के बाद आप इसमें, अब इसको आप देख लीजिए पैटर्न क्या बन रहा है आपके पास, ठीक है, तो पैटर्न देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें 32 प्लस किया है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 6-2=4, ठीक है, और 9-6 यानी कि 3, 34 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 32 प्लस था, यहाँ पे 34 प्लस था, ठीक है, 324 यहाँ पे आ रहा है, तो 324 में देखते हैं कितना प्लस हो रहा है, तो 14-6 हो जाएगा 8, है ना, और 11-9 हो जाएगा 2, 28, तो ये तो अब यहाँ पे ही गलत हो गया, क्योंकि 32, 34 यानी कि 36 प्लस होना चाहिए, यानी कि 324 आपका ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत आंसर है यहाँ पे, ठीक है, तो आपने गलत आंसर का ही यहाँ पे चयन करना था, तो आपके पास हो गया 324। तो फ्रेंड्स ये था आपके पास आपके सिलेबस बेस्ड, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UK SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप DLED या किसी भी अदर एग्ज़ाम की, आप PCS की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके प्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सेम इसी तरीके से आने वाला है, ARO एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर दो, सेम दैट इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको बताया हुआ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए उनके लिंक वहाँ पे दिए हैं, कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा है 8218051712, दोबारा से सुन लीजिएगा 8218051712, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपके मैथमेटिक्स क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो, ठीक है, साथ ही आप सारे लेक्चर्स, आपके पास बहुत सारे लेक्चर्स पहले यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होने वाला है मैथ्स का, तो आप वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, मिलता हूँ जल्द ही नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।